यूपी के बुलंदशहर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एक युवक को मेला जाना महंगा पड़ गया, जब चार अज्ञात युवकों ने नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि चारों युवकों ने एक साथी छात्रा के चक्कर में इस वारदात को अंजाम दिया और शव को पेड़ पर लटकाकर फरार हो गई। पुलिस ने चारों हत्यारोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और एक हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पेड़ पर लटका यह शव है बुलंदशहर के डिबोई कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले कक्षा 9 के छात्र नीरज का, जिसकी हत्या का आरोप भीमपुर निवासी चार युवकों पर है। दरअसल नीरज अपनी एक साथी छात्रा के साथ डिबोई के भीमपुर दौराहे पर लगे मेले को देखने गया था। बताया जाता है कि मेले में ही नीरज को जब भीमपुर के अन्य दोस्त मिल गए तो साथी छात्रा अचानक गायब हो गई और छात्रा का पता लगाने के चक्कर में दोस्तों ने पहले ही नीरज की पिटाई की और फिर पीट पीट कर हत्या कर डाली। यही नहीं, हत्या के बाद एक बाग में पेड़ पर नीरज का शव लटकाकर फरार हो गए। आज सुबह नीरज का शव पेड़ पर लटका हुआ बरामद हुआ तो परिजनों ने नीरज के चार दोस्तों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। SSP संतोष कुमार ने कहा कि मेला देखने गए छात्र की हत्या कर शव पेड़ से लटकाया गया है। दोस्तों ने ही एक लड़की के चक्कर में छात्र की हत्या की है। चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर एक हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? नई बात। आज सुबह आपके भाई के साथ घटना हुई, लेकिन क्या मामला है? ये मामला सर, ये निवास देखने गए तीनों बच्चे निवास देखने गए। ये भीमपुर के लड़के हैं। कौन कौन? अब जो रिपोर्ट जो आई है, जो निकले पकड़े हैं जो बच्चे तीनों लड़के, तो के यहाँ से उठाए निवास में बताना, हमें तो बताना घर के कोई कारण, तो के वहाँ उनने बंदी बना ली अपने, उन्हें बंदी बना के रखा और दो जने के गए। हम तो कोई पता ही नहीं कहा कि दो बच्चों को छुड़ा लाए, हम अपने बच्चों को छुड़ा के नहीं ला पाए, इसलिए इनने हमारे साथ ऐसा कर दिया। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ इनने हमारे बच्चा खत्म कर दिया, मार दिया। भाई था आपका? हाँ भाई। छोटा था बड़ा था? छोटे छोटा था। तुम्हारा छोटा भाई मार दिया? तीन भाई हैं। नाम क्या था? लोग जिन्होंने मारा? नीरज नाम है उसका। आपके भाई का नाम नीरज है, मारने वालों का नाम क्या है? मारने वालों का नाम चलो बात। छात्र की पीट पीट कर हत्या का मामला क्या है पूरा मामला? एक्चुअली एक लड़का है नीरज नाम का, जिसकी उम्र 16 वर्ष के आसपास थी और बीती रात उसकी मौत हुई। मौत के बाद उसको पेड़ पर लटकाया गया। देखने से भी प्रथम दृष्टया लग रहा था कि इसकी हत्या करके इसको लटकाया गया है। जब इस घटना के क्रम में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि ये तीन लड़के नीरज और उसके दो अन्य मित्र नुमाइश देखने गए थे। वहाँ पर इनकी एक परिचित लड़की मिली जो इनके साथ घूमते हुए देखी गई। बाद में जब वो लड़की अपने घर नहीं पहुँची तो उसके परिवार के सदस्यों ने प्राप्त जानकारी के आधार पर इन तीनों लड़कों को बुलवाया और इनसे अपनी लड़की के बारे में पूछताछ की। बाद में दो लड़कों के घर वाले आए और उन दोनों लड़कों को लेकर चले गए। ये तीसरा लड़का जिसकी हत्या की गई, ये मौके से भाग गया था। रात में किसी समय फिर ये उन लोगों की पकड़ में आ गया। उन लोगों ने लड़की के बारे में इससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान इससे मारपीट की गई और उस मारपीट में आई चोट की वजह से जब ये मर गया तो उन लोगों ने डर करके इसे जो है पेड़ पे लटकाने का प्रयास किया, तो देखने में प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि मरने के बाद लटकाया गया। सर, हत्या के पीछे प्रथम दृष्टया वजह क्या निकल कर आई है? जो हत्या के पीछे वजह यही निकल के आई है कि वो लड़की जो न घर पहुंची और इन लोगों के साथ इस लड़के के साथ देखी गई थी, वो मिल नहीं गई थी। बाद में वो लड़की सुबह मिली तो वो दूसरे गाँव में किसी अपने परिचित के यहाँ डरवश चली गई थी। उसे डर था कि घर वाले उसके साथ मारपीट करेंगे, तो एक अभियुक्त इसमें से गिरफ्तार कर लिया गया है जो उस लड़की का भाई है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया। बताया जा रहा है मृतक छात्र है और आरोपी भी छात्र हैं। हाँ, ये सब छात्र हैं और लगभग हम उम्र ही हैं। ये कोई पेशेवर हथियारे या क्रिमिनल्स नहीं है, केवल उस लड़की के चक्कर में वो पूछताछ के दौरान जो लोगों ने चोट पहुँचाई उसकी वजह से उसकी मौत। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।